उज्जैन की हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छठ पर्व पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए गए हैं, हर नदी तालाब झील के किनारे व्यापक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, जिससे यहां पर जो प्रति महिला हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर जगह छठ के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। छठ के पावन पर्व पर आप सभी को बधाई, ये बात सीएम ने यहां पर कही है। सभी को उन्होंने छठ पर्व की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि हर नदी तालाब झील के किनारे व्यापक व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, और जिससे किसी भी जो व्रती महिलाएं होती हैं, जो यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुँचते हैं, छठ की पूजा करने के लिए पहुँचते हैं, उनको किसी तरह की असुविधा यहाँ पर ना हो, इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। छठ मैया के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खास करके बहने और सुहागन बहने अपने सुहाग की उम्र लंबी मिले, कोई कष्ट नहीं आए, परिवार में सुख समृद्धि और आनंद का वास हो, इस निमित्त चार दिन तक ये जो त्यौहार में डूबती है, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य अर्पण करने के बाद पानी थोड़ा सा अल्पाहार उसके बाद ही ग्रहण करती है। ये हमारी संस्कृति भी अद्भुत है। बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए कितनी कठिन साधना करती है, लेकिन इसमें भी सुख छुपा है, भगवान का आशीर्वाद है। सनातन संस्कृति इसी प्रकार से बढ़ती है। जगह जगह अभी माहौल बना हुआ, हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए कि हर तालाब नदी पोखर के किनारे अगर छठ मैया की पूजन होती तो प्रॉपर उसकी चिंता करें। हमारे परंपरागत स्थान जहाँ होती है वहाँ तो व्यवस्था रहेगी, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ भी हम व्यवस्था बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व की आप सबके माध्यम से सबको बधाई।